क्या हुआ? विक्टोरिया पास ही है, मैं उसके विचार सुन सकता हूँ। तुम सुन जाओ। उसे पता है हम वहाँ नहीं है, पर उसने मेरी गन सूंघ ली। वो जानती है तुम मेरे साथ ही होगी। उसने हमें ढूंढ लिया। वो अकेली नहीं है। रायली, मेरी बात सुनो। विक्टोरिया तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो जानती है मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल वो तो खुश है कि तुम उसके रास्ते से हट जाओगे। इसकी बात मत सुनना रायली, ये फिर से कोई नई चाल चल रहा है। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये झूठ बोल रहा है। उसने तुम्हें और इस सेना को बनाया ताकि वो अपना सच्चा प्यार पा सके। जेम्स वही है उसका सच्चा प्रेमी, तुम नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। फिर से सोच लो, तुम मेरे शहर से हो, तुम चप्पा चप्पा जानते हो, इसीलिए इसने तुम्हें चुना। ये तुमसे प्यार नहीं करती रायली, ये हमें गलत फहमियां पैदा कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम तो गए। मरने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं वही दर्द महसूस करूं जो तुमने महसूस किया था जब मैंने जेम्स को मारा था, जब मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसे जलाकर मैंने राख कर दिया था, जब मैंने उसका अस्तित्व खत्म कर दिया था। बोल रहा है एलिस चाहती है कि हम लड़ने जाएं। अभी
कितनी देर में आ रहे हैं? पहुंचने ही वाले हैं, शायद 10 मिनट में। भेड़ियों को जाना होगा, वोल्चरी भेड़ियों के साथ हुए समझौते को नहीं मानेंगे। रिया रुक जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बाएं हिस्से की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी है। बेला। जेकब, मैं यही हूं। जेकब, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। लिया। मुझे अपनी शक्तियों से इसकी हड्डियां जल्दी ठीक करनी होगी, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। इसे यहाँ से ले जाना होगा, और वॉल्चरी भी यहाँ जल्दी ही पहुँचने वाली है। हम इसे गाँव ले जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी पहुँचता हूँ। हिम्मत रखो जेकब। वो पहुंच चुके हैं। बहुत खूब, बड़ी तादाद के बुरे पिशाचों से बिना चोट खाए बच निकलना मैंने पहली बार देखा। हम खुश नसीब थे। लगता तो नहीं है। हमसे एक काफी रोमांचक लड़ाई छूट गई। हाँ, आजकल ऐसी लड़ाइयां देखने को मिलती कहाँ हैं। अगर थोड़ी देर पहले आते तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। अफसोस, वो बच गई। इस नादान बच्ची को हमने बख्श देने का फैसला किया है। तुमने ये फैसला कैसे किया? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने बनाया? ऐसा मत कीजिए, आप जो जानना चाहती हैं वो सब बता देगी। जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम, राइली ने हमें नहीं बताया। उसने कहा हमारे विचार सुरक्षित नहीं। उसका नाम विक्टोरिया है, शायद आप उसे जानते हैं। एडवर्ड, अगर वोल्चरी विक्टोरिया के बारे में जानते तो वो उसे जरूर रोकते। क्यों, है ना जेन? बिल्कुल। फेलिक्स, इसने जो किया अनजाने में किया, अब से इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसे एक मौका दो। वोल्टोरी कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देते, ये बात तुम लोग भी याद रखना। काइस को जानकर अफसोस होगा कि ये पिशाच नहीं बनी। तारीख तय हो चुकी है, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दो। अब मुझे घर जाना है।